सिंगरौली में 5 साल बीत जाने के बाद भी अमृत जल योजना पूरी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए सड़क में जो गड्ढे खोदे गए थे उन्हें भी अभी तक भरा नहीं गया है, जिससे बरसात में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के 45 वार्डों में अब तक अमृत जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। बरसात के समय सड़कों में बने गड्ढों में पानी भरने से इन सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अब तक नींद नहीं खुली है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि 100 मीटर सड़कें खोदने और उसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद उसे पूरी तरह से ठीक किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे का कार्य होना था, लेकिन ठेकेदार ने अब तक इन गड्ढों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिनके कारण लोग रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से नगर निगम में अमृत जल योजना का योजना चालू किया गया था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत आज तक हर एक वार्ड में, पूरे 45 वार्ड में पाइप भी नहीं बिछ पाई है। कहीं जहाँ जहाँ जैसे पाइप बिछी हुई है, अव्यवस्थित रूप से पाइप टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, रोड को तोड़ा गया, उस रोड का रिपेयर आज तक नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जल प्रदूषित कितना भव्य रूप से फैल रहा है, क्योंकि स्ट्राइक हर जगह आपका, चाहे डैम में देखा जाए, चाहे उधर बर्गमा डैम में देखा जाए, स्ट्राइक डाल दिया जाता है। उसकी वजह से हमारे सिंगरौली की पूर्णतः जल प्रदूषित हो चुका है। इस प्रदूषित जल को देखते हुए अमृत जल योजना का देखिए, जो अमृत जल योजना के तहत में सिविल लाइन का जो काम चल रहा है, और लगभग ये 1.5 साल से चल रहा है। इन्होंने क्या किया, जो मार्ग मुख्य मार्ग है वहाँ तो मरम्मत किया है और निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है, जिससे सड़क आज काफ़ी ज़्यादा धस चुकी है और कई जगह एक्सीडेंट का पॉइंट, दुर्घटना स्थल भी बन चुका है। और इसमें ये चीज़ें काफ़ी जगह में मौखिक रूप से कंप्लेन किया गया, बट उनमें कोई सुधार नहीं आया। फिर आज मैंने लिखित तौर पर, उन्होंने एक रिसीव नगर निगम में दिया है प्रशासक के नाम पे, और यदि देखा जाए इसका क्षेत्र स्तर, तो हर जगह आप किसी भी गली को मोहल्ले में चले जाए, कोई स्थितियां बीच रोड को खोद कर रख दिया गया है, ऐसे जस के तस को। इस मामले में इंजीनियर BP उपाध्याय ने बताया कि कई इलाकों में पाइपलाइन का पानी पहुँच गया है और जहाँ भी रोड में गड्ढे हैं उनको संज्ञान में लेकर उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस बारे में इंजीनियर का कहना है कि भ्रष्टाचार के सारे आरोप निराधार हैं। नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत तो सही नहीं है, क्योंकि जो पाइपलाइन का काम हुआ है इसमें भोपाल स्तर से एक थर्ड पार्टी अपॉइंट है जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करती है। अब भोपाल से समय समय पर टीम आती है जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल देखती है, तो ये शिकायत तो सही नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है या पाइप कम क्वालिटी की लगी है। जहाँ तक सड़क खोद देने का प्रश्न आपने किया, तो ये बात सही है कि कई जगह खोदे गए और रोड रिस्टोरेशन भी रेगुलर हमारा चल रहा है, और जहाँ भी ऐसी ज़्यादा समस्या आती है हम तत्काल कराते हैं और रेगुलर वो रोड रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। शर्तों में है कि पाइप लाइन डालेगा, रोड जिस स्टेज में थी उस स्टेज में करेगा। वास्तव में पाइप लाइन अमृत जल योजना के 2 घटक हैं, UIDSSMT और दूसरा है अमृत। UIDSSMT योजना अंतर्गत यह योजना जल प्रदाय सिंगरौली स्वीकृत हुई, जो 2008-09 में DPR बना और 2015 में इसका टेंडर हुआ। तो बहुत सारे एरिया उस समय DPR में नहीं लिए गए, उस समय साहट नहीं रही या जरूरत न रही होगी, तो DPR में जो भाग छूट गए हैं उस जगहों में अभी पानी नहीं पहुंचा। तो वहाँ का एक हम लोगों ने गैप का सर्वे किया, सर्वे करके और 17 करोड़ की योजना एक अलग से सेंक्शन कराई है सरकार से, उसका टेंडर हुआ है, वो भी जल्दी हो जाएगा। और बीच में पानी का काम बंद हो गया, ये योजना ही 77 करोड़ की, टेंडर परसेंटेज और बहुत सारी गैपों का स्थान परिवर्तन के कारण इसकी कॉस्ट बढ़ गई। 77 करोड़ में भी शासन का अंश तो मिल गया, जो निगम को लगाना था और अन्य मदों से जो पैसा घट रहा था उसके लिए पैसे की व्यवस्था में 1-1.5 साल काम बन रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज।